सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माहे समाना। ए बाणी जो जी हो जान तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख हुए। ए बाणी महापुरख की निज कर वसा हुए। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कह सेवक जन मन पर तख गुरु निस्तारे। गुरु बाणी कह सेवक जन मन पर तख गुरु निस्तारे। कानड़ा महला पंजवा घर नौवा। ताते जाप मना हर जाप जो संत वेद कहत पंथ गखरो। मोह मगन अहंग ताप ताते जाप मना हर जाप जो संत वेद कहत पंथ गखरो। मोह मगन अहंग ताप रहाओ जो राते माते संग बापरी। माया मोह संताप नाम जपत सो जन उदरा। जिसे उधारो आप बिनस जाए मोह पै परमा। नानक संत परताप नाम जपत सो जन उदरा। जिसे उधारो आप बिनस जाए मोह पै परमा। नानक संत परताप। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रही लड़ीवार गुरु शब्द दी विचार आप जी नूं सरवण करा रहे हन। अति सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहिब गुरुद्वारा बंगला साहिब उन्हां पासों पावन शब्द दी विचार आप जी सरवण करो। इस महीने दी संगरांद कल 14 तरीक नूं है। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा 24 जून नूं है। महाराजा रणजीत सिंह जी की बरसी 28 जून नूं है। मीरी पीरी दे मालक मीरी पीरी दिवस धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का 30 जून नूं है।
इन्हां सारिया ही इतिहासक दिहाड़ियां नूं अपने घरां विच बैठ वध तों वध बाणी पढ़ के मनाउण दी कृपालता करनी जी। आओ अगले समय लई गुरबाणी विचार नाल जुड़ना करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। एको ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगणित अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो, जो अठवें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी दी यात्रा करदे हां। जुगो जुग अटल शतर चवर तखत दे मालक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे नियम अनुसार गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक वार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी। ये पावन शब्द जिसका पाठ आप जी ने गुरु के वजीर भाई परमजीत सिंह जी होरा पासों सरवण किया है, एक कानड़ा राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1307 अंग ते दर्ज है। बाणी गुरु है,
गुरु बाणी है। सारी बाणी दे विच अमृत है, आत्मक जीवन देन वाला जल है। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जिहड़ी सानू सब तो वड्डी नियामत रब्बी दरगाह तो दे के गए हैं, वो बाणी है। जदों भी असी अपने इतिहास के सोमे पढ़ते हाँ, भावें वह जन्म साखियां होन, भावें वह साढ़े इतिहास के पुराने पुरातन ग्रंथ होन, सानू एक गल बार बार पढ़न वास्ते मिलती है, सुन वास्ते मिलती है। गुरमुखा ने रब्बी प्यार विच जीवन वालिया ने सानू एको ही गल सुनाई है कि गुरु नानक साहब महाराज आख्या करदे सन, बाणी आई है। अज दे बड़े सारे कर्मकांडी लोग बहुत कुछ तुहानू दिंदे ने, कोई जड़ियां बूटियां दियां गल्लां करदा है, कोई जोतां जगाउण दियां गल्लां करदा है। मेरे सतगुरु पिता महाराज कहंदे सी मरदानिया बाणी आई है, रबाब छेड़ काई सिफत निरंकार दी करिए। और सच्चे पातशाह ने मेहर कीती है कि जिस बाणी नू उन्होंने आप आख्या सी कि शब्द गुरु है, उही गुरु उन्होंने सानू बख्शिश कीता। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पाठ दीदार करो, फिर सतगुरु पिता जी की बाणी दी विचार, सतगुरु जी दे बाणी दे अर्थ बोध प्राप्त करो। जदों भी तुहानू ये विचार प्राप्त होएगी तो एको ही गल बार बार तुहानू दृढ़ होएगी कि शरीर गुरु तस्वीर गुरु, इहदा सिक्खी दे विच कोई थां नहीं है। हालांकि नहीं कि शरीर गुरु होए नहीं, होए ने। तुसी जन्म साखी नू पढ़ो, जगत गुरु गुरु नानक साहिब महाराज ज्योति जोत समाए ने, तो सतगुरां दे वचन ये सन कि बाबा मड़ी ना गोर, गुर अंगद के ही ये माहे। संसार दे लोको, बाबे नानक नू मड़ियां कबरां विच लभण ना जाना, गुरु नानक तां गुरु अंगद दे हिरदे विच टिक चुके ने। और इसे विचारधारा ने सानू ये सिद्धांत दृढ़ कराया है कि गुरु नानक अंगद कर जाना, अंगद अमरदास पहचाना, अमरदास रामदास कहायो। अज भी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नू असी की कहने हैं, ये दसां पातशाहियां दी जोत है। सारे शरीर इसे दे विच ही भाई विद्वत ने प्रगट ने।
सो गुरु अर्जन देव पिता महाराज साड्या मार्ग दर्शन करते ने। सतगुरु जी ने बाणी की संपादना करदिया सानू अगवानी भी बख्शी है कर नौवा ये जेडे गुरु के कीर्तनिए ने बाणी का गायन करने वाले ये उन्हां दे वास्ते सतगुरु जी ने हदायत की है कि इसनों नौवे घर विच गाउणा है। तुसी सतगुरु जी का पावन शब्द है ताते जाप मना हर जाप। बंदिया जे तू होमे तो बचना चाहना है ते हरी परमेश्वर दा सिमरन कर। एक वारी नहीं उठद्या बहद्या कर सौद्या जागद्या कर। अज किन्ने दिन हो गए ने सतगुरु जी ने जिन्ने शब्द सानू बख्शे ने इस नौवें घर विच सारयां दे विच सतगुरु ने सानू इस होमे दे रोग तो बहुत सुचेत कीता है। जिहड़ी असी रोज आसा की वार जिहड़ी साडी गुरु अस्थाना दी नितनेम दी बाणी है ये मर्यादा सतगुरु सानू आप बन के दे के गए ने। आप गुरु साहिबाना दे समय तो आसा की वार दा कीर्तन जेड़ा है वो गुरु जी दी हजूरी दे विच अमृत वेले गायन किया जाता सी। जेड़ी परिवार विछोड़े दी कथा है उदे विच मुख तौर ते इहदा जिक्र आउंदा है कि सतगुरु जी ने आनंदपुर साहब छड्डण तो बाद इत्थे अपने गुरसिखां नूं रोक लिया सी कि भाई आसा की वार दा समा हो गया। इन्नी जरूरी बाणी है ये नितनेम सिख दे जीवन विच एडी वड्डी थां रखदा है कि मगर दुश्मन चढ़े आउंदे होण पर इस वक्त नूं वसारिया नहीं जा सकता। इस बाणी नूं छड्या नहीं जा सकता। पर अज की करिए जिहड़ा वेला आसा की वार दा हुंदा है वह वेला साडा एक दूजे नूं कोसण दा हुंदा है। चाहिदा तो यह भी उदों सुन लेंदे सी कि छोड़ी ले पखंडा नाम लै जाहे तरन दा पखंड छड दे। क्योंकि तो असी सवेरे उठते हाँ वड्डे वड्डे खंजू केरते हाँ सिखी दे। मैं पहला भी बेनती की है कि साडा ही एक प्रचारक सी उन्हें एक तत् सार कढ़िया सी। वो कहिंदा ज्ञानी जी साडी तां हालत यह है भी जिहड़ा साडी कथा सुनदा है वो सानू भेटा नहीं दिंदा ते जिहड़ा भेटा साडे डब्बे विच पाउंदा है वह बह के कथा नहीं सुनदा। उहदे कोल समां ही कोई नहीं है। जिन्हें सुनी है क्योंकि जिन्हें कथा सुन ली उन्हें दो ही गल्लां सुनियां ने जां ते मेरे वर्गे कोलों ब्रह्म ज्ञान दीआं गल्लां सुनियां उहनूं समझ आ गई भी इन्नी उच्ची सुची अवस्था दे विच माया दा की मोह आ भला। बाबा जी तां त्यागी विरागी ने इन्नियां ते ज्ञान दीआं गल्लां सुनाईआं ने इन्हां ने क्योंकि असी उस अवस्था तक जाके कथा करन तक पहुँचदे हाँ भी जिदा मेरा ते दुनिया की मोह ममता नाल कोई वाह राबता ही नहीं है ते जां फिर साडा दूसरा ढंग है कि असी लोकां नूं डराउने आ इन्ने भय भीत कर देने आ भूतां जमदूतां दीआं कथा नाल कि बंदा उठ के कथा दे डब्बे तक पैसे पाउण जोगा ही नहीं रहिंदा। वह कहिंदा भी बैठे रहो आराम नाल
असी उदा ही उन्होंने डरा दिता। ये उस एक सज्जन की एक खोज, मैं भी समझदा भी काफ़ी हद तक ठीक है। हुण जे इहनूं मैं वड्डे पद्धर ते लै के जावां ते सच अज तुसीं वेखो सारा सोशल मीडिया भरिया होया है, गुरुद्वारे वालिआं नूं इह करना चाहीदा है, गुरुद्वारे वालिआं नूं उह करना चाहीदा है। पर पुछिआ जाए भी तुहानूं भी कुछ करना चाहीदा है कि नहीं करना चाहीदा, तुसीं इह कहो कि असी तो जी औखे सौखे दो ढाई महीनों में एक दो बारी जाके तो मत्था टेक आए हैं, तुसी घरों निकल के मत्था टेकने जोगे नहीं है, तुसी इन्ने डर गए हो फिर हथों छड़न जोगे भी कुछ नहीं है। मैं वेख्या है जिन्ने व्यक्ति अज सलाह दे रहे ने कि गुरुद्वारे वालिआं नूं इह करना चाहीदा, गुरुद्वारे वालिआं नूं उह करना चाहीदा, उन्हां नूं इह पुछो भी तीन महीने हो गए ने, कोई गोलक दे विच मत्था टेकण नहीं आ रहा, कुछ गुरसिख आए ने रोंदे आए ने, पुलिस वालिआं नाल लड़ाई झगड़ा करदे आए ने, गुरुद्वारे दे सेवादारां दे नाल एबड़ दे खैबड़ दे अंदर वड़े ने, करफ्यू नूं उलंघ के आए ने, लाकडाउन तोड़ के आए ने, उन्हां ने मत्था टेकिया है। हुण उन्हां दी जिन्नी जथा शक्त भेटा सी उन्हां ने मत्था टेक दित्ती, हुण उहदे नाल तां बिजली दे बिल नहीं पूरे हो सकते, असीं कहिंदे जी हॉस्पिटल बना दिओ। ढाई तीन महीनों तो जदों किसी भी गुरद्वारा साहब दे विच कोई आमदन नहीं है, क्योंकि गुरद्वारे की आमदन की है, जो संगत की श्रद्धा भेटा है पाए, सिख धर्म दे विच टिकट नहीं है, फिक्स कुछ नहीं है, इत्थों दा पाठ अज भी इहो है, अज तो पहला भी इहो ही सी, अज तो बाद भी इहो ही रहेगा कि भावनी भगत भाए कौड़ी अगर भाग राखै। इत्थे तां कोई प्रेम दे विच भिज के आके अगर दो कौड़ियां भी मत्था टेकेगा तो वह भी प्रवान है भाई, किसी मेरे वर्गे की हिम्मत है किसी नूं कहे भी तू 2 रुपये मत्था क्यों टेकिया, 20 रुपये क्यों नहीं टेकिया, 20 क्यों टेकिया, 200 क्यों नहीं टेकिया, 200 क्यों टेकिया, 2000 क्यों नहीं टेकिया, ना किसी की हिम्मत नहीं है। तो जदों सिख की श्रद्धा दे आधारित गुरु घर के सारे इंतजाम होने ने, प्रबंध होने ने, इस करके मैं बेनती करा, यह गल कदे नहीं कही जाती भी ये गुरुद्वारा वड्डा है ये छोटा है, हाँ गुरुद्वारे इतिहासक हो सकते हैं, जिहड़े नज़रिया साडा वड्डे छोटे दा है वह नज़रिया तो पैसे ते मुनसर करदा है ना, भी कित्थे बहुती संगत आउंदी है, कित्थे बहुता चढ़त चढ़ावा है, कित्थे बहुतियां इमारतां ने, कित्थे बहुता तुसी एरिया अक्वायर कीता होया है, किहड़े गुरु घर दा किन्ना क वड्डा कंपाउंड है, किन्नी क वड्डी उस गुरु घर दी जायदाद है, ये गल्लां सारियां पैसे नाल संबंधित ने, इतिहास नाल संबंधित नहीं है। मैं हमेशा बेनती करदा गुरुद्वारा बंगला साहब उदों भी इन्ना ही वड्डा सी जदों गुरु हरकृष्ण साहब ने इस बंगले नूं बंगला साहब बनाया सी, कदे बंगला साहब दे सामने टांगे खलोंदे सी, घोड़े पानी पींदे सी, अगों सड़क लंघदी सी, गुरु हरकृष्ण साहब का घर उदों भी एडा ही वड्डा सी, उदों भी जिन्हां दी शरदा सी उह झोलियां भर के लैके जांदे सी, उदों भी उन्हां दी आस्था नूं इन्ने ही पुन फल लगदे सी भाई। इस करके आपां नूं सच्चे पातशाह दी बाणी पढ़नी चाहीदी है, क्योंकि बाणी पढ़ांगे तो गल समझ आएगी,
नहीं तो हो की रहा है, वक्त आसा की वारद है। आसा की वार दे विचों ए गल समझण दी लोड़ सी भी हौ मैं दीर्घ रोग है, ये बड़ी लंबी बीमारी है। ते लगी कदों सी, लगी सी तेनू माता दे गर्भ विच। हौ मैं रोग मानक को दीना, पुछो सतगुरा कोलो परमात्मा ने की कीता। काम रोग मैंगल बस कीना, हाथी नू काम दा रोग दिता। हुण तुसी कहोगे जी जो 5 साल दा होया उदों दिता, जो 7 साल दा होया उदों दिता। नहीं भाई, ए जन्म सिद्ध रोग है। हाथी नू काम दा रोग है, मनुख नू होमे दा रोग है। पता नहीं तुसी बच्चे खड़ाए ने, बच्चे चुके ने, बच्चे वराए ने, बच्चे पाले ने, किन्ने क बच्चों के नाल तुसी बाह वास्ता जिंदगी बतीत कीती है। बच्चे की एक अवस्था यह है कि बच्चा चिड़ जाता है, बच्चा किसी जिद विच पै जाता है। बच्चा दुध चुंग रहा सी, किसी कारण मां ने बच्चे के मूँह चो अपना दुध वाला थण बाहर कढ दिता, उन्हें रोना शुरू करता। दादी ने जोर ला लिया, दादे ने जोर ला लिया, चाचियां ताइयां ने जोर ला लिया, गवांडी आ गए, काके नूं होया की है? कहते कुछ नहीं होया, मां दुध पियांदी सी, अचानक कोई गल होई, उन्हें दुध पियाना छड़ दिता है। ये हुण चुप ही नहीं करता, ये की है? ये उहदी होमे सी। कि दुध दे उत्ते मेरा अधिकार है, मेरा हक है, बिल्कुल हैगा है। परमात्मा ने दुध पैदा ही उहदे वास्ते कीता सी। ये परमात्मा दी विध है कि पहलों दे तैं रिजक संभाहा, पिछों दे तैं जंत उपाहा। मां दे थणा विच दुध पहला आउंदा है, बच्चे दा जन्म मगरों हुंदा है। हुण ये जन्म सिद्ध रोग है जिहड़ा सानू होमे दा रोग लगे, इहो ही कारण है। जिन्हों मर्जी सुन लो मैं हटदा ही नहीं बंदा। मैं तो कई बारी इत्थे एक विद्वान की गल सुनाई, वह कहिंदा बकरी बहुत मैं करदी है, पर की तुहानू पता है बकरी की खल तो, बकरी की चमड़ी तो तबला तैयार हुंदा है, मरदांग तैयार हुंदी है, ये साज तैयार हुंदे ने। और जदों ये तबला तैयार हो जाए, गुरु के कीर्तनीय मेरी बेनती सुनदे होणगे, जिन्हों ना गल समझ आवे उन्हां तो पुछ लवे, फिर तबले दे बोलां दे विच किते भी शब्द जेड़ा है उहदी आवाज़ मैं दे रूप विच नहीं है, वो जां तत्ते दे रूप विच निकलदी है जां फिर तद्दे दे रूप विच निकलदी है। क्योंकि बेसिक तौर ते मैं कीर्तन सिखिया सी जदों पढ़दा सी, हुण ता दिना धा दिना ये आवाज आएगी, पर वो बकरे दी खल, वो बकरी दी चमड़ी जिहड़ी बकरी सारी जिंदगी मैं कीती है कसाई दे वढ़न तक, पर मरण तो बाद मैं शब्द क्यों नहीं उसने बोलिया, फिर उहदी आवाज दी धुनी किवें बदल गई? उहदे वास्ते एक बड़ा लंबा सफर है, बड़ी लंबी एक यात्रा है। पहला तो किसी ने उहदी खल उतारी है, इथों तक जाण वास्ते उहनूं अपनी धौण कटाउणी पई है, फिर उहदी चमड़ी नूं पता नहीं किन्ने मसालियां दे विच भिओया गया, किन्ना किन्ना समा भिगो के रखिया गया, फिर उहनूं उस उहदे चमड़े नूं कुटिया गया, कुट कुट के, कुट कुट के, कुट कुट के, फिर जदों उह किसे इस ऐसे साज दे उपर, किसे तबले दे उपर, किसे डुगी दे उपर मड़िया गया,
किसी धामे के उपर तो फिर वो बोल जड़े से बदल चुके से भाई। ये होमे दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे कृपा करे जे अपनी त गुर का शब्द कमाहे। ये दीर्घ रोग है हटदा ही नहीं बंदा। कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं जब आपा पर का मिट गया जत देखो तत तू। गलत ही नहीं सी क्योंकि मैं दा आधार की है आपा ते पर का। हुण परके दी आपा गल करनी कोई नहीं आपे दी गल करांगे ते मैं तो ही शुरू होएगी भाई। मैं ये कीता मैं वो कीता मैं ये आखिया मैं ये आखिया मैं उदों आखिया मैं हुण आखिया मैं अगों आखांगा। हुण ते असीं बकायदा थ्रेट करदे अगले नूं भी तैनूं पता होना चाहिए मैं की कह सकदा। हाँ भाई बिल्कुल पता है जो जी होए सो उगवै। मैनूं ते पता है कि जदों सारे ही अंदर असी गंदगी दा भरिया होया है ते अंदरों खुशबू तां आएगी नहीं भाई। अंदरों तां जदों भी निकलनी है वो माड़ी भैड़ी भड़ास निकलनी है। सच्चे पातशाह महाराज उपदेश करदे ने तां ते जाप मना हर जाप। ऐ मेरे मना की तू होमे तो बचना चाहुंदा है। ये दीर्घ रोग है और तेनू पता होना चाहिए कि हों विच आया हों विच गया हों विच जमया हों विच मुआ। असी दुनिया दे विच आए क्यों चले किवें गए। असी दुनिया विच जमे क्यों असी आत्मक मौते मरे किवें। ये पूरा एक श्लोक है आसा की वार विच। और ये गल सतगुरु ने सानू दस दिती है कि जिवें काम हाथी नू काम दा रोग काम रोग मैंगल बस कीना दृष्ट रोग पच मुए पतंगा। जिहड़े पतंगे ने परवाने ने उन्होंने दृष्टि का रोग वेखण का रोग कोई पंजा सत्ता सालां बाद थोड़ा लगता है जन्म तो ही है। नाद रोग खप गए कुरंगा हिरण नूं कंडे हेड़े की आवाज़ सुनण की जिहड़ी बीमारी है ये कोई पंजा सत्ता सालां बाद नहीं लगती जन्म तो ही है। ये ठीक है कि जो जो दीसै सो सो रोगी जिन्हें जीव रब ने पैदा किए ने है तो सारे ही बीमार ने भाई। पर सारिया दियां बीमारियां वक्रिया वक्रिया ने। जिहड़ी बीमारी बंदे नूं लगी है वह होमे रोग मानक को दीना काम रोग मैंगल बस कीना दृष्ट रोग पच मुए पतंगा नाद रोग खप गए कुरंगा जो जो दीसै सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। गुरु सतगुर पूरा वैद है पंजे रोग असाधन वाले। गुरु वर्गा वैद हकीम डॉक्टर इस धरती ते कोई नहीं है। अज भी चले जाओ जिन्हें मर्जी वड्डे हॉस्पिटल चले जाओ तुसी पता करो किते होमे दी कोई दवाई हैगी है। होमे की दवाई एको ही सी कि तू सवेरे उठ के इशनान कर दा ते बाणी पढ़ दो। पर इत्थे ते सवेरे उठ के अखबार पढ़ी जाती है भी भला मेरी खबर लगी कि नहीं लगी मैं जो बोलिया सी वो आया है कि नहीं आया किसी ने मेरे बारे तो नहीं बोलिया। सवेरे उठ के असी टेलीफोन खोल के बह जाने हैं मेरी खबर चली कि नहीं चली। सवेरे उठ के ना सच्चे पातशाह जी की आवाज कन्ना दे विच पौनी सी कि सच्चे पातशाह कहते ने बाणी आई है ये तुरकी बाणी आई
तिन सगली चिंत मिटाई। ये वो बाणी जिन्हें तेरिया चिंतावां नूं खत्म करना सी। पर इत्थे तां आदमी बाणी पढ़ पढ़ के पढ़ पढ़ के रब दा रूप हो गया, पर उहनां नूं की कहीए जिन्हां ने कदे जपजी का पाठ नहीं किया, जिन्हां ने सवेरे उठ के जाप साहब का पाठ नहीं किया। कितें इन्हां नूं बिठा लिया जावे ना भी इत्थे बह के सुनायो जी, अफड़ो बाणी का गुटका जाप साहब सुनायो, तुहानूं किन्ने मिनट विच आउंदा है? डेढ़ घंटे च पूरा नहीं होना इन्हां कोलों। अकादमिक गल्लां सुनो, प्रोफेसरी दीआं गल्लां सुनो इन्हां कोलों। अगर आपां इन्हां कोलों गल्लां सुनदे रहे तो हद हो जानी है। फिर जिन्हों आपां गुरु की कृपा कहने, गुरु की बख्शिश कहने, सारियां मुक जानियां ने। यह साबित करनगे कि तुहाडे ते गुरुआं विच कोई फर्क नहीं सी। जां ते इउं कह लईए कि इह ते ही कहणगे मेरे ते गुरु च की फर्क सी, इनिया की गल्लां उह करदे सी, इनिया गल्लां ते मैनू भी आउंदियां ने। सानूं इन्हां तों बचण दी लोड है, इन्हां तों सुचेत होण दी लोड है। सतगुरु आप अपनी बाणी विच समझाउंदे ने, कल दा शब्द भी इहो ही सी, अहंग तोरो मुख जोरो गुर गुर करत मन लोरो। ओ भाई हौमें छड़ दे, गुरु दे नाल अपना मुख जोड़, गुरु वाले पासे अपना मुख कर। गुरमुख दे अर्थ ही इह ने, अपना मूँह गुरु वल करना है। बड़े सधारण अर्थ मैनू किसी ने सुनाए सी, वो कहिंदे मनमुख कौन है? कहिंदे जिहदा मूँह मन वल है वह मनमुख है। गुरमुख कौन है? कहिंदा जिहदा मूँह गुरु वल है वह गुरमुख है। भाई आपां गुरु वाले पासे मुख करिए, मन वाले पासे मुख रखांगे तो मनमुख बन जावांगे, तो फिर मन आईयां करांगे, फिर मनमत दा ही प्रचार करांगे असीं, फिर लोग साडा जिहड़ा नां रखणगे वह भी अजीबो गरीब होवेगा। तां ते जाप मना हर जाप, जे मना तेनू समझ आउंदी है कि हौमें दीर्घ रोग है, लंबी बीमारी है, जन्म तो लगी होई है। अज तुसी डॉक्टर कोल जाओ ना, तुहानू कई गल्लां डॉक्टर पुछेगा कि शुगर तुहाडे डायबिटी जिहड़ी है ये तुहाडे परिवार च पहला हैगी सी किसी नू, कैंसर तुहाडे परिवार विच पहला हैगी सी किसी नू, साह की बीमारी जां होर गठिए दा रोग तुहाडे परिवार विच पहला भी हैगा सी किसी नू। असल विच ये जिहड़ा हौमे दा रोग है ना, ये अज तो नहीं है, ये जदों तो इंसान पैदा होया उदों तो है। ये मत सोचना कि मैनू जे माँ दे गर्भ तो लगा तो बीमारी मेरे तो शुरू होई है, नहीं। ये बीमारी दे विच साडे कई वड्डे वड्डे बजुर्ग भी इस तरह ही चले गए, वह भी मैं मेरी दा ही पाठ करते रहे। सतगुरु पिता महाराज समझाते ने कि जो संत बेद कहत पंथ गाखरो, जेडे संत बेद ने, जेडी गुरुआं दी बाणी है वो की है? गुरुआं दी बाणी सानू दसदी है ये पंथ गाखरो, ये रस्ता बहुत औखा है। जिस रस्ते ते आपां तुरे हां ना, ये रस्ता सिक्खी दा रस्ता है। सिक्खी दा रस्ता की है? सिक्खी दा रस्ता किसे दुनिया दी चौधरदारी दा रस्ता थोड़ा है, किसे दुनिया दी मान पदवी दा रस्ता थोड़ा है। पता नहीं ये गल कदों किवें असी शुरू करके बह गए, और उहदा रिजल्ट साडे सामने, किहड़ा पाठ किन्ने दिन करना चाहिए, किहड़े गुरुद्वारे किन्ने दिन जाना चाहिए,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਨ ਮੇਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਤਖ਼ਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਵੇਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਣ ਮੋਹ ਮੇਰ ਤੇਰ ਵਿਵਰਜਿਤ ਇਹ ਮਾਰਗ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਸਿੱਖਾ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਲੀਡਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਬਾਈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਠੱਗ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਲੱਭਦਾ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੁਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋਜਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਤਰਨੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਦੰਦ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਕੂਏ ਬਰਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਮੂਰੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਨੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਮਦੂਤ ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰੱਸੀਆਂ ਧਾਗੇ ਸੇਬੇ ਲੰਘਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਲਾਚੀਆਂ ਲੌਂਗ ਪਤਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਕਈ ਧਰਮ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹੁਦੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਵੇਦ ਸੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਦੋ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਮਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ,
मैं कहा तू मैं दसी ढाई महीनों च तेनों मिले है? कहिंदा नहीं, मैं किसी अपने मंत्री नू मिले है? नहीं। मैं किसी अपने अफसर नू मिले है? मैं कहा नहीं। तो मैं क्या वो तो उस दिन का ही क्वारंटाइन है, वो तो कहिंदा मेरे नाल गल ही टैलीफोन ते करो जां मेरे नाल गल जिहड़ी है तुसी वीडियो कॉन्फ्रेंस ते करो। दुख मंडाउणे बहुत औखे ने, सिखी है ही यह है। सिखी किसी कर्म कांड का ना नहीं है। सिख हो है जिहड़ा सवेरे उठता है, सिख हो है जिहड़ा सवेरे उठ के बाणी पढ़ता है। और मैं बड़े विश्वास नाल गुरु रामदास महाराज के बचना के इन अर्थां ते आधारित मैं तुहाडे नाल गल कर लिया कर रहा कि जय हर सिमरन भया तै उपाद गत कीनी। जिथे सिमरन उत्थे कोई झगड़ा नहीं है। एक वेला सी आ जिहड़े दिन असी हुण मना के हटे हाँ, 1984 दे जून दे पहले हफ्ते दे, ये बड़े काले दिन ने। इस हिंदुस्तान दी उस सल्तनत वास्ते कि जिस मुल्क दे आवाम ने इस मुल्क नू आजादी दवाई होवे और जिथे हर अहुदे दी जदो ताजपोशी हुंदी है ते उनू धर्म दी सहु चुकाई जांदी होवे और उसे व्यक्ति दे उसे दे उस धर्म नू जां धर्म दे अस्थान नू फिर ढा ढेरी करन वास्ते बड़े सारे पाप कीते जान। मैं इहदे विच्चों एक गल सांझी करनी चाहुंदा। उस वक्त साडे कोले दो शख्सियतां सन, एक शख्सियत सी संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवाले, वो आम सिखां दी भावना की नुमाइंदगी करदे सी, आम सिखां दे दिलां दे विच दिमाग दे विच वसे हुए सी। एक साड़ी उस वेले जिहड़ी साड़ी सियासी जमात सी जिन्हों आपां शहीदां दी जथेबंदी कहने आ, अकाली दल किसी वेले इसने बड़े काम कीते ने, अगे हो के गुरद्वारा सुधार लहरां चलाईयां, गुरुद्वारे महंतां तो आजाद करवाए, उहदे विच्चों इस जथेबंदी का जन्म होया। उहदे मुखी सन संत हरचंद सिंह जी लौंगोवाल। मैं बहुते विस्थार विच नहीं जाना पर कईआं ने आके कहना संत जरनैल सिंह जी पता लग्गा तुहाडे ते संत हरचंद सिंह लौंगोवाल दे कोई मतभेद ने। वो कहिंदे हुंदे सी तुसीं अपना फिक्र करो, साडा ते कोई मतभेद होएगा ते मुक जाएगा जदों सवेरे उठांगे बाणी पढ़ांगे। साडियां बड़ियां सांझां ने क्योंकि बाणी बाणे दे विच संत हरचंद सिंह जी लौंगोवाल भी बड़े भिजे हुए सन। वो कहन लगे भाई तुसीं साडी आपसी गलबात दा फिक्र ना करो, तुसीं अपना फिक्र करो। जिहड़े धर्मी लोग हुंदे ने ना उन्हां दीआं सांझां बहुतियां हुंदियां ने, मतभेद थोड़े हुंदे ने। मतभेद होना सुभाविक है कि रब ने कलाकिरती ऐसी वरताई है कि कोई ना किसी ही जिहा उपाया। एक बंदे नूं रब ने दूजे वर्गा पैदा ही नहीं किया भाई, तो आप कौन होंने कि आप कही जी सारे एक वर्गे हो जाओ? एक वर्गे रब ने ही नहीं पैदा किए, आप कर सकते?
ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਸਭ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮਹਾਂਦਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਜੋ ਸੰਤ ਬੇਦ ਕਹਿਤ ਪੰਥ ਗਾਖਰੋ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਹੰਗ ਤਾਪ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਔਖਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪਾਠ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓ ਆ ਕੇ ਸੁਣੋ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਦਵੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾ ਲਓ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਹੰਗ ਤਾਪ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਕਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਤੇ ਜਾਪ ਮਨਾ ਹਰ ਜਾਪ ਫਿਰ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰ ਜਾਪਸਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਚੌਪਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ ਫਿਰ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੀਡਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹਦੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਹਜਾਤੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਓ ਜੇ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਰਾਤੇ ਮਾਤੇ ਸੰਗ ਬਪਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੰਤਾਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਮਤੇ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਬਪਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਸ ਭੈੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਕੇ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ
बंदा मर भी जावे तो असी किन्ने चढ़ाई कर गए। पुछो तुसी कहिंदे जी चढ़दी कला है, साडे बोले इदां दे सी, साडी अवस्था इदां दी सी। सानू सतगुरु ने बाणी नाल संगत नाल सेवा नाल सिमरन नाल जोड़िया। हुण असी कहिंदे जी नहीं जी सेवा नहीं करनी चाहीदी। पुछो भी सेवा नहीं करनी तो फिर तुसी करना भी की है? पाठ तुसी करदे नहीं, सेवा दे तुसी हक च नहीं, बाकी की बचिया भाई? पाठ असी करते नहीं, करन जोगा साडे कोल टाइम कोई नहीं। सेवा सेवा कहिंदे बंद कर दिओ, पुछो करना की है? कहिंदे जी गुरुद्वारियां दा पैसा जेड़ा है वो इस काम ते लाया जाए। भी तीन महीने हो गए, मैं तो आप नहीं अखी वेखिया कि गुरुद्वारे दे विच पैसा आउंदा कित्थों। जिन्ना पैसा आ रहा है वह सिर्फ सेवा दे नाते आ रहा है। जे करोड़ा रुपये आए ने तो सेवा दे नाते आए ने। जे ट्रकां दे ट्रक राशन रसद आई तो सेवा दे नाते आई है। जिहड़े तुसी आप मत्था टेकण नहीं आए, तुसी कही जाने हो कि सानू गुरुद्वारे दा पैसा इस पासे लाउणा चाहीदा है। लाओ जिहड़ा पैसा लोग मत्था टेक दे ला लो भाई। मत्था टेकण दा पैसा तो अज बिजली दे बिल देण जोगा नहीं है। अगर कोई विदेशां दे विचों अपनी खून पसीने की कमाई दसवंध लखां डालर घल रहा है तो तुहानू ये कह रहा है भी इहदा लंगर पका के वरतायो जे मेरे पैसे का। उन्हें आटा इस करके नहीं भेजा भी मार्केट च वेच दिओ, दाल इस करके नहीं भेजी कि दो रुपये सस्ती करके वेच दिओ। उन्हें इस करके दाल ते घ्यो ट्रकां दे ट्रक भेजे ने कि इहदा लंगर होर बना के वंडियो जे कोई भुखा ना रह जाए। और मैं अज फिर बेनती करा, जदों तक संगत रसद भेजेगी, जदों तक संगत करोड़ों रुपया ये सेवा दे विच भेजेगी, उदों तक ये लंगर चलते रहेंगे। ये हर देश विच चलणगे, हर कलोनी विच चलणगे, हर महल्ले विच चलणगे, गुरु नानक दे सिख चलाउणगे। सच्चे पातशाह दीयां सेवावां कदे रुकणियां नहीं। पर जिहड़े माया दे विच रते होए ने उन्हां दा संताप कौन मिटा सकदा है भाई? कोई नहीं मिटा सकदा। नाम जपत सौ जन उधरे जिसे उधारो आप। सच्चे पातशाह इस नाम दे नाल कौन उधरेगा जिन्हों तुसी उधारोगे? संसार समुद्र तो पार कौन होएगा जिन्हों तुसी करोगे? क्योंकि संसार समुद्र है, तार गोबिंद है। यह संसार एक समुद्र है। इस भव सागर तो रब तो बिना, गुरु तो बिना सानू कोई नहीं पार कर सकता। नहीं तो यह जरूर चेता रखना कि यह रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई। यह माया का एक रूप नहीं है। असी लोगों नू सिर्फ एक रूप माया का पैसे पैसे करी जाने। ये जड़िया चौधर दियां भुखां ने यह माया नहीं। ये माया जित हर विसर है। जेड़ियां जेड़ियां चीजा ने तुहानू रब भुला दिता है वो तो सारी माया है। वो तुहाड़ियां कोठियां हो सकदियां ने, तुहाड़े धीआं पुत्तर हो सकदे ने, तुहाड़ियां माण पदवियां हो सकदियां ने, तुहाड़ियां चौधरदारियां हो सकदियां ने, तुहाड़ियां होमे दियां लड़ाइयां हो सकदियां ने। यह सारी माया है भाई। नाम जपत सौ जन उधर है जिसे उधारो आप। बिन सजाए मोह भय भरमा नानक संत प्रताप। ये बिरस जाएगा, ये मोह, ये भय, ये भरम, तीन चीजा। मोह की है? झूठा प्यार। भय की है? डर। भरम की ने? भुलेखे। ये तिने चीजा तुहाडे जीवन दियां मुक जाणगियां नानक संत प्रताप जदों गुरु की कृपा वरतेगी। तो गुरु की कृपा तो उहदे ते वरतेगी जिहड़ा बाणी पढ़ेगा भाई। गुरु जी का तो हर सिख नूं हुक्म है कि चाह लांगे उठ नाम जप निस बासर आराध कारा तुझे ना ब्यापई नानक मिटै उपात। तेरे सारे झगड़े मुक जाणगे। सवेरे उठिया कर, नाम जपया कर, बाणी पढ़िया कर। सच्चे पातशाह कृपा करन, उपदेश साडे हिरदिया विच वस जाए। भुल्लां मेरियां ने खिमा कर देनियां।
उपदेश सतगुरु जी का है अपने परले बन लेना। भुला बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की।